हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD व्लॉगर में। हर एक ऊंचाई पर हमें अपने पैरों के निशान चाहिए कि हर एक ऊंचाई पर हमें अपने पैरों के निशान चाहिए, या यूं कह लो कि हमें सारा का सारा आसमान चाहिए कि हर एक ऊंचाई पर हमें अपने पैरों के निशान चाहिए, या यूं कह लो कि हमें सारा का सारा आसमान चाहिए। कुछ यूं डटे रहो अपने सफ़र में तुम कि कुछ यूं डटे रहो अपने सफ़र में तुम के जो देखे वो बोले, इसे तो बस अपना मुकाम चाहिए। मैं नहीं लोग बताएंगे मेरी कहानी कि मैं नहीं लोग बताएंगे मेरी कहानी, मुझे हर एक के जुबान पर अपना नाम चाहिए। सही है ना फ्रेंड्स। और सुनिए, रास्ते रुख मोड़ लेते हैं मंजिल भी दूर जाती है कि रास्ते रुख मोड़ लेते हैं मंजिल भी दूर जाती है, देखती हूँ मैं क्या लिखा है आगे, हौसले मेरे भी तूफानी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव थॉट के करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे टेस्टी बेसन के चीले, एकदम से हेल्दी, ना तेल ना घी, किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया है। और आज हम लोगों को जाना है भंडारे में, तो सुबह सुबह ये हेल्दी नाश्ता बना के सबको खिलाया और मैंने भी खाया, क्योंकि भंडारे में ना पूड़ी वगैरह खानी होती है, तो मैंने सुबह सुबह ये एकदम से हेल्दी नाश्ता बना के तैयार कर लिया। और आप भी बनाइए, खाइए। और इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बस नमक और हींग डाला है, बस एक हरी मिर्च, टमाटर, प्याज। ये देखिए गर्मा गर्म हमारे बेसन के चीले बनकर रेडी हो गए। आप इन्हें सॉस के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, या फिर चाय के साथ खाइए। तो भैया सॉस के साथ और चाय दोनों ही लेके जा रहे हैं, जिसके साथ मन होगा वो खाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी, हम भी खा लेते हैं और आप भी खा लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको आज भंडारे में जाना है, तो मैंने सोचा कि अकेले ही क्यों जाएं, आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं और भंडारे में शामिल करते हैं। और इस मंदिर के एड्रेस के बारे में अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे बोलेंगे महोलिया शिवपार बाईपास सीतापुर रोड हरदोई, इस तरीके से इसका एड्रेस आता है। तो ये देखिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही मतलब काफ़ी पुराना मंदिर है। और ये जो मंदिर बना है ना, ये मेरी शादी के बाद ही हम लोगों को देखते देखते ये मंदिर इतना ज़्यादा बन गया, बहुत मान्यता है यहाँ की, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अब तो ये पूरा मंदिर मतलब बंद बरामदा, ये गेट वगैरह बाद में लगे हैं, पहले एक छोटा सा ही मंदिर हुआ करता था। नवरात्रों में तो यहाँ बहुत बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, रोज कीर्तन, अन्नप्राशन, ये सारा कुछ होता ही रहता है यहाँ पे, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं मंदिर के अंदर, अंदर का दृश्य दिखाते हैं। तो ये देखिए इधर तली जा रहे हैं पूड़ी, बाकी सारा कुछ बन चुका था जब हम लोग पहुंचे, और पूड़ियां बस रह गई होंगी, तो वही पूड़ियां तली जा रही हैं। इसके बाद हवन हो रहा था, हवन के बाद आरती होगी, आरती के बाद ही सबको ये प्रसाद में पहले कन्याओं को खिलाया जाएगा, फिर बाकी सबको बांटा जाएगा, खिलाया जाएगा, तो सारा कुछ शेयर करेंगे आपको। और ये देखिए यहाँ पे हो रहा है हवन, महिलाएं बैठी हैं, घर के सारे लोग बैठे हैं, और भजन कीर्तन भी हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर से मंदिर का दृश्य कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और माता रानी के भी अभी मैंने आपको दर्शन करवाए, और अच्छे से आप सब लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे, तो अगर कर लिए हो तो जय माता दी जरूर बोलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। Oh,
और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आरती होने के बाद सबको भंडारे का प्रसाद दिया जा रहा है और अभी हम लोग भी पाएंगे और आप लोगों को भी खिलाएंगे, आप लोगों को भी भंडारे का प्रसाद मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे भंडारे का प्रसाद आ चुका है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग पा लीजिए फटाफट हमारे साथ। तो भंडारा खाने के बाद एक बार और दर्शन करते हैं माता रानी के और फिर चलते हैं घर की तरफ, थोड़ा सा रास्ते का भी दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं फालतू में नहीं घूमती हूँ, जब मुझे बुलाया जाता तभी तो मैं जाती हूँ। अब अन्नप्राशन में इन्वाइट किया गया तो वहाँ घूमना फिरना तो हो ही जाता है, यहाँ भंडारे में भी इन्वाइट किया गया था तभी हम लोग आए। और जब आते हैं ना या फिर कहीं जाते हैं तो वीडियो बनाना तो बनता ही है, अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपके साथ क्या शेयर करेंगे, और जब आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो आपको हमारे शहर की चीज़ों के बारे में या फिर मंदिरों के बारे में या फिर किसी भी जगह के बारे में कैसे पता चलेगा। क्योंकि पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि वास्तव में आप बहुत घूमती हैं, तो मैं बता दूं कि मैं फालतू में नहीं घूमती हूँ। हालांकि मुझे उस कमेंट का बुरा नहीं लगा, अच्छा ही लगा था, जैसे कोई फ्रेंड या कोई बहन वगैरह बोलती ना कि तुम सच में बहुत घूमती हो तो ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने आपको बताया, शेयर की ये बात आपसे। तो फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग में फिलहाल के लिए इतना ही, और ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी मन में आया करे ना फ्रेंड्स कमेंट में लिख दिया करो, मुझे अच्छा ही लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना।